मेरी टीम दे बहुत ही बड़े मार्जिन नाल लोकां द्वारा चुने हुए सारे MLA साहबान मिनिस्टर साहबान तुहाडा स्वागत है। साडे नैशनल कन्वीनर मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी वो भी स्क्रीन ते सारी गलबात सुन रहे ने, खुद भी बोलणगे बाद दे विच। देखो लोकां ने बहुत वड्डा बहुमत दिता है, कई जगह ते आपां तों इलैक्शन कंपेन लई जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर भर के उन्होंने आपां नूं जिताया है। शायद उन्होंने उम्मीद होगी कि कोई गल नहीं, बिजी होणगे किते होर। सो अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए, कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते ने, उन्हां घरां च भी जाना पऊगा। कई बारी ढाणियां जां कोठे, साडे वल कोठे कह दिंदे ने, इधर ढाणी कह दिंदे ने, माझे च डेरा कह दिंदे ने, उत्थे नहीं जाया गया होगा, पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दीआं भी समस्यावां हैगीआं ने। जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाणा है। आपां इह नहीं देखणा कि इस पिंड चों आपां नूं घट पईआं सी, इस पिंड वालिआं ने आपां नूं आए नहीं कीता, इह उन्हां दा काम सीगा, इह आपां हुण खतम करना। मैं उस दिन भी कहा सी जिन्हां ने आपूं नहीं भी वोटां पाईआं, आपां उन्हां दे भी MLA आ, उन्हां दी भी सरकार है, उन्होंने भी मंत्री हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री हैं। जिंदगी च जे किसी पैसे कमा के तो बहुत दुनिया चली जाती है, पर जे किसी की जिंदगी च कोई सुधार कर दे, उदे जीवन च कोई चेंज कर दे, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी दे घर का चुल्हा जिहड़ा उहदी अग बलदी है, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी बजुर्ग की इलाज की जिहड़ा वो प्रबंध हुंदा है, जे तुहाडे किसी दे साइन करन नाल किसी बच्चे की किताब के चार वरके मिल जाते ने, वस्ता मिल जाता है, पढ़ाई मिल जाती है, तो मैनू लगता है तो वड्डा कोई पुन नहीं हो सकता। क्योंकि सियाने कहिंदे आ कि परमात्मा लोकां च ही वसदा है। कई बारी मेरे कोले भी कुछ ऐदां दे बच्चे आ जांदे सी जिहड़े परमात्मा ने, जिन्हां नूं आपां स्पैशल किड बोल दिंदे आ, परमात्मा ने कोई कमी रखती दिमागी तौर ते, ओह भी झाड़ू ते केजरीवाल ते भगवंत मान नूं जाणदे सी, तां मैं उन्हां नूं स्टेज ते बुलाउंदा सी, बिठाउंदा सी, और एक गल कहिंदा सी लोकां नूं कि मजाक ना उड़ायो, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं रब किहड़े भेस च फिरदा इत्थे, अपने टेस्ट लैंदा कि करदे की ने इह। सो कोई इस तरह का बदलाखोरी की नीति, जिस तरह राघव जी ने कहा, कुछ शिकायतां आईया ने कि सोशल मीडिया ते कुछ इस तरह दियां शब्दावलियां वरतियां जा रही ने कि जिहड़ियां सुनयोग नहीं हैगियां, इह अपना काम नहीं हैगा। जदों मैं रोड शो करदा सी, कोई अपना नौजवान कई बार एक्साइटड हो जाते हैं, शहर च लंघते लंघते कोई बुलट मोटरसाइकिल का पटाका पा दिंदा सी, इमीजिएटली रोड शो रोक के असीं पहलां पता करदे सी किहड़े मुंडे ने कीता, फिर उन्हूं प्यार ना कहिंदे सी, ना आपां इत्थे हुल्लड़बाजी करनी आए, आपां लोकां नूं डराउण नहीं आए, आपां आराम नाल गल करके अपना हथ बन के लोगों को कहो कि आओ आपां इकट्ठे होकर पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाए। तुहाडे चों बहुत सारे इहो जिहे ने जिहड़े 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार, 65-65 हज़ार से
75,000 ते जित के आए, मतलब विधानसभा दे विच 60-70-75 दा मार्जन होना, इट मीनस उधर किसी ने पाई ही नहीं। सवा लख तो सवा लख की एवरेज ला लो, लख तो सवा लख दे विच एवरेज ला लो, वोट पोल हुंदी एवरेज पा लीए तो 92 आ, जानी के 1 करोड़ तो ज्यादा लोगों ने अपन वोटा पा के इत्थे भेजे है। 42.1% अपनी एवरेज, यानी कि लगभग हर दूजे बंदे ने अपन वोट पा दी। इस मैंडेट नूं अपां लोकां दे लई वरतना है, लोकां दे उत्ते नहीं वरतना कि असीं डराउण लग जाइए SHO नूं, तहसीलदार नूं, पटवारी नूं। प्यार नाल गल कर लो, जे सुधारन दी लोड़ है किते जाके उत्थे कहो उहनां नूं कि सानूं दसो जी की चाहीदा है, तुसी बड़े अच्छे हो, तुहानूं सिस्टम ने इस चिक्कड़ दे विच सुट्टिया होया है, सानू दसो इनू साफ करने वास्ते सरकारे द्वारे तो की चाहिए, आप प्रोवाइड करावांगे। क्योंकि देखो मैं पहला एग्जाम्पल भी दिंदा रहा, लगभग खेती वाले हैं सारे, जे खाल दे विचों खड्ड पै जाए एक, उनू जे तुसी बाहरों अड्डी मारोगे वो इधरले पासे निकल जूगी, जे इधरले पासे अड्डी मारोगे वो उधरले पासे निकल जूगी। जिन्ना चिर अड्डी अंदर नहीं वजदी खाल दे पानी दे, उन्ना चिर खड्ड बंद नहीं होंदी। सो तुसी उत्थे आपदे छोटे मोटे कर्मचारियों अधिकारियों घूरी जाओगे उहदे नाल खड्ड बंद नहीं होनी। सानू दसो इत्थों अड्डी वजूगी, जदों इत्थों चंडीगढ़ों अड्डी वजगी फिर वो बंद होगी। सो पहलां भी इस तरह हुंदा रहा, ऑर्डर कोई होर दिंदे रहे ने, सस्पेंड कोई होर हुंदे रहे ने, गलत काम कोई होर कराउंदा रहा, सस्पेंड कोई होर हुंदा रहा। उही ना तकड़े दी सत्ती बीही सौ, जिहदी जिहदे चलदी है चला जांदा, इह हुण नहीं चलूगा। 25,000 नौकरियां दा कल आपां ने वादा किया, गरंटी दिती है, और 1 महीने दे विच विच वो रिक्रूटमेंट्स, उन्हां दा एडवरटाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा, और उहदे वास्ते तुहाडे कोल बहुत सारे लोग आउणगे। साडा मुंडा है जी, आ साडी कुड़ी है जी, आ थोड़ा जिहा इन्ने जे किते हो जाए थोड़े साइन, मैं थोड़े जिहे नंबर घटदे ने, इहदा मतलब जे तुसीं साइन करदे हो, सिफारिश करदे हो, तुसीं किसे होर दा हक मार रहे हो, भावें उहदी शायद थोड़े तक पहुँचना होवे, भावें वोट उहने आपां नूं ही पाई होवे। देखो जे आपां टेलर मास्टर कोल जाने आ, आपां लेट होंने, विआह परसों नूं है, वह कहिंदा जी अगले वीरवार तक मैं पेंट शर्ट सिऊंगा, आपां की कहिंदे आ फिर 50 रुपये वध लै लई यार, मैनूं परसों नूं विआह है, लेट तां तुसीं हो, 50 रुपये वध लै के वह सिऊं तां देऊगा तुहाडा, पर किसी होर दा तां रोकूगा, वह किसी होर नूं डर लाऊगा यार, अज करने रहिंदे थोड़े जिहा परसों नूं आ जी। इत्थों चल पैंदा काम आपणा, कल्ली दफ्तरी सरकारी दफ्तरी रिश्वत नहीं हुंदी, तुसी टाइम ते जांदे तो तुहाडा विआह तो पहला वो सूट बन जांदा, पर तुसी लेट हो तो तुसी उहदे बदले च उहनू वध पैसे देते, तो उहने किसे होर दा रोक लिया। सो जे तुसी कोई सिफारिश इहो जी करोगे तां फिर इहदा मतलब किसे होर दा हक मारोगे। आम आदमी पार्टी इस काम वास्ते नहीं बनी, दिल्ली दे विच वी इदी हुंदा, दिल्ली दे विच मुख्यमंत्री साहब हर गल का नोटिस लेंदे ने। एक बार की होया, पता लग्या भी दिल्ली के एक हस्पताल 2 रुपये की पर्ची कट्टी जा रही है दवाई लैन वास्ते, 2 रुपये की पर्ची कट रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब खुद गए उत्थे जाके चेक किया किन्ने पैसे दिते, कहिंदे 2 रुपये, उन्होंने बुलाया ये 2 रुपये कादे लै रहे हो तुसी जदके इस तफरी किया होया। जिहड़ा मुख्यमंत्री 2 रुपये लोगों के बचाउण लई आप जा सकता है, वह लोगों का करोड़ों का नुकसान किवें चलूगा। उही अपनी पार्टी है, उही नैशनल कन्वीनर ने। सो दिल्ली दे विच मैं आप खुद देखता रहा, क्योंकि मैं जदों सैशन होंदा सी दिल्ली हुंदे सी,
मेल जोल हुंदा रहिंदा सी सरकार नाल, और हर MLA ते मिनिस्टर दा सर्वे हुंदा कि उहदे बारे लोग की कहिंदे ने, वो सारा सर्वे आउंदा है, फिर मैच किया जाता है, पता भी नहीं हुंदा उन्हां नूं कि साडा सर्वे हो रहा है। इस करके दिल्ली च इस बार की होया 21-22 इहो जिहे MLA सी जिन्हां दी करंट सी टिकट नहीं मिली, ज़्यादातर तो पार्टी के नाल ही ने, कोई ऐसी गल नहीं, पर चेंज के कर दित्तियां गईयां टिकटां सर्वे च, थोड़ा जा नैगेटिव आया सी कि ऐ नहीं होया जे नहीं होया, तो 21-22 जिहड़े इस बार सीगे बीच जिन्हां दी टिकटां कट्टी सी नवयां नूं दित्तियां, वो 21-22 जित गए सारे। सो आम आदमी पार्टी कोई कुनबा बनाने वास्ते नहीं हैगी कि हुण साडी ठीठ पक्की हुई है, बस जिवें इन्हां कांग्रसियां च हुंदा है भी मलूके ने इत्थों लड़ना ही लड़ना है, इन्हें फलाने ने कह रहे उन्हें उत्थों पट्टी तो लड़ना ही लड़ना है, तो जिहड़े नवें ने उन्हां लई तां दरवाजे ही बंद हो जांदे ने, भी तां इह तां मतलब पक्का हो गया जी हुण सानूं तां नहीं मिलदी, ठीक है ना। सो इस करके जे तुसीं अपने आप नूं पक्के रखना है, सीट पक्की करनी है, तो लोगों पब्लिक नाल पक्की दोस्ती करनी पवेगी, लोगों के काम जोड़े ने वो पक्के ही करने पैणगे, जे कच्चे च कोई काम हो गया तो रिपोर्ट आ जाएगी साढ़े को। मैं थोड़ा सलाह दिना है, डरा नहीं रहा मैं, और मैं उम्मीद है तुम करोगे, क्योंकि जो टिकटा दे रहे थे उदों भी बहुत कुछ थोड़े बारे पता किया गया, तो जे तुम टिकटा वास्ते एलीजिबल समझे गए तो यदा मतलब थोड़े तो यकीन हैगा है पार्टी नू, ते होर भी ज़्यादा यकीन पक्का करो, सारे तुसी मंत्री हो, कोई काम सांझा काम पिंडां दा सीधे आ जाओ, मिनिस्टर साहब बैठे ने, मिनिस्ट्रियां दी पोर्टफोलियो जल्दी डिकलेयर कर देंगे, उन्हां नाल गल कर लो, पर काम होवे जायज़, माड़े काम की सिफारिश ना करो, चंगे काम का खैड़ा ना छड़ो, वह होगा। वक् वक् किस्म के साढ़े को MLA ने, सारा समाज बैठा मेरे सामने, वकील ने, डॉक्टर ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसर ने, समाज सेवी ने, सिंगर ने, रिटायर्ड पुलिसमैन ने, व्यापारी ने, मतलब कोई वर्ग ऐसा है नहीं जिहड़ा लोगों ने अपन जता के ना भेजा हो। इस करके इनू जात पात च नहीं आपां पाउणा, कई बार मीडिया कहने लग जाता पंज इधरले मालवे दे ने जी, चार उधरले ने, दुआबे नूं ऐ करता जी, तीन जट सिख ने जी, लोगों ने वोटां सारिआं ने पाईआं ने, आपां ने किसी नाल भेदभाव कोई किसी का करना नहीं, जिहड़े दबे कुचले लोग ने उन्होंने घर जाके आयो, उन्होंने घर के नक्शे जरूर देख के आयो, जिथे चुल्हा हैगा पर अग नहीं, जे अग है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, तो जे रजाई है तो लोगड़ नहीं, जे लोगड़ है तो छत नहीं, उन्होंने घर के नक्शे अपन बदलने पैणगे। उन्होंने बहुत भारी गिणती अपने ते यकीन किया, उन्होंने पैसे पूसे भी बहुत वंडे होणगे, आपां तां कुछ नहीं, आपां तां प्यार ही वंडिया। सो अपने दफ्तर खोलो हर हल्के, लगभग हर हल्के दे वड्डे कस्बियां च, और इत्थे तुहानू दफ्तर अपने फ्लैट च अपने घर च मिलणगे। एक मेरी बेनती है, टाइम ते आया करो, जे तुसी लेट हो फिर जे पब्लिक नू वेट ही करना पै गया फिर तो मतलब नहीं हो सकता काम। है वक्त दे पाबंद जरूर बनो, जिहड़ा वक्त दा पाबंद है वक्त उहदा साथ दिंदा है, जिहड़ा वक्त तो पिछे रह जांदा है तो फिर वक्त बहुत अगे लग जांदा। सो टाइम दे पाबंद बनना, कोई मीटिंग कोई लोगों नाल कोई दरबार रख्या जनता नाल मीटिंग है, टाइम ते जाके बैठो, पब्लिक नूं एक दो बारी, कई बार पब्लिक नूं भी लग जांदा 10 बजे का टाइम दिता, 1:30 दा सौणगे, जदों 1-2 बारी तुसीं 10 बजे बह गए ना
बस पब्लिक टाइम से आने लग जाती है। सो इस गल नूं आपां ने श्योर करना है कि आपां ने एक भी घंटा एक भी अद्धा घंटा पौना घंटा खराब नहीं करना। 18-18 घंटे काम करना पवेगा ता कि उलझी हुई ता नहीं 70 साल नाल ता रलांगे 70 साल पिछे रह गए तो फिर ये वास्ते आपां इधर उधर नहीं देखना कि मेरे पिछे कौन ने जां मेरे बराबर कौन ने। सिर्फ टारगेट होना चाहिए रीवन, जिन्हें चिर रीवन टच नहीं करते रेस खत्म नहीं होंगी। और रीवन का मतलब है रंगला पंजाब, रीवन तो अगे रंगला पंजाब है। तो आप रीवन तक रेस वधिया तरीके ला दीए अगे पंजाब, वो पंजाब है जिहड़ा अपने बजुर्ग कहिंदे हुंदे सी गिद्धियां वाला भंगड़िया वाला मुगदर चकदा कबड्डियां खेडदा छिंझा वाला जरनैलां दा पंजाब फौज भर्ती होण दे वास्ते मशहूर पंजाब, बड़े बड़े सिंगरां दा बड़े बड़े राइटरां दा पंजाब, वो पंजाब जिहड़ा आपां वापस लिया सकते हैं जे तुहाडी रेस दे विच कोई कमी ना होवे। ते ए ना देखो कि इधर कौन है इधर कौन है, बस सीधा टारगेट एक रखो। देखो हुण तक अपने नाल की होया, जदों ऊठ जिहड़े ने कैमल उन्हूं खूह च जोड़दे सी तां उन उहदे अक्खां ते खोपे ला देंदे, खोपे कहिंदे उहनूं, ऐदां ला देंदे, उन्हें इधर उधर नहीं दिखता सी, उन्हें एक बारी उन्हें हक देंदे सी तुर पैंदा सी, एक एक डंडा दो गेड़े होर मार देंदे सी। उस तो बाद जदों उहदा मूँह इधर हुंदा तां जिहड़ा किसान है वह खेतां दे विच पाणी दे नक्के मोड़न चले जांदा सी, ऊठ इसे भुलेखे च ही तुरिया रहिंदा सी कि मेरे पिछे ही है जे खड़ के डंडा मारूगा। तो जदों उहनूं शाम नूं रोक लिया जांदा सी तां उह सोचदा सी अज तां बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर आ गए होवांगे क्योंकि सवेर दे तुरे फिरदे आ, जदों खोपे खोले जांदे सी ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਕਢਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੋਪੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਵੋ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ 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 ਦੇਖੋ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ।